एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे होते हैं। उस गांव का ही एक युवक बुद्ध के पास आता है और बुद्ध के चरणों में लेट जाता है। बुद्ध उसे उठाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह युवक बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत तंग आ गया हूँ। मुझे घृणा होने लगी है खुद से, मुझे घृणा होने लगी है इस जीवन से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी इन समस्याओं का कारण क्या है? वह युवक गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे बहुत सारी बुरी आदतें हैं, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या बुरी आदतें हैं तुम्हें? वह युवक गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे भीतर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, जैसे लालच, दूसरों का बुरा करना, शराब पीना, हर समय भोग विलास के बारे में सोचते रहना। मेरे दिमाग में हर समय वो बातें चलती रहती हैं जिनसे मुझे आज तक संतुष्टि नहीं मिली है। कभी कभी तो मैं ये समझ ही नहीं पाता कि मैं मानव हूँ या जानवर। बुद्ध, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान आपके पास है। कृपा कर मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए बुद्ध। बुद्ध उस युवक से कहते हैं, मैं तुमसे जो भी कहूँगा शायद वो तुम समझ ना पाओ, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार एक राजा का बेटा एक संत के पास जाता है और संत से कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में हर चीज का आनंद लिया। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास राजपाट है, लोग मुझे आदर देते हैं और मैं हमेशा से ही भोग विलास में लिप्त रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक खालीपन है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस खालीपन को भर लूँ। और तो हर जगह मैंने ढूंढ लिया है, अब एक आस मेरे भीतर जो बची है वो यही है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जीवन को जानना चाहता हूँ, मैं सब मोह माया को छोड़ आया हूँ, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, वो सब तो ठीक है, तुम सब मोह माया को छोड़ आए हो, परंतु मुझे ये बताओ इस पोटली में क्या है? उस व्यक्ति के पास एक पोटली होती है जिसमें बहुत सारी सोने की मोहरें होती हैं। वह व्यक्ति उन संत से कहता है, मुनिवर, इस पोटली में सोने की मोहरें हैं। ये मोहरें मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यदि मेरे जीवन में कोई खराब समय आए तो मैं इनका उपयोग कर सकूं। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, इस पोटली को उठाओ और नदी में फेंक कर आओ। वह व्यक्ति उस पोटली को उठाता है और नदी किनारे पहुंचता है। वो मोहरे उस व्यक्ति को प्रिय थी, इसलिए वह सोचता है कि सारी मोहरों को एक साथ डालने से अच्छा है कि मोहरों को एक एक कर डालूं, गिन गिन कर डालूं। तो वह पोटली को खोलता है और एक एक कर मोहरे नदी में डालने लगता है। मोहरे बहुत ज्यादा होती हैं जिसके कारण उसे बहुत समय लग जाता है। संत बहुत देर इंतजार करने के बाद नदी किनारे पर उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति संत से कहता है, आपने ही तो कहा है कि इन मोहरों को नदी में डाल दो, इसीलिए इन्हें मैं नदी में डाल रहा हूँ। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस तरह तुम इन मोहरों को नदी में डाल रहे हो उससे दो बातें निकल कर सामने आती हैं।
पहली तो ये कि तुम्हें इन मोहरों से बहुत लगाव है, जिसके कारण तुम इन्हें नदी में गिन गिन कर डाल रहे हो। और दूसरी बात यह है कि जो मंजिल तुम केवल एक कदम में पूरी कर सकते थे, उस मंजिल को पूरी करने में तुमने हजारों कदम लगा दिए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस काम को तुम एक बार में कर सकते थे, उस काम को पूरा करने में तुमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया है। बुद्ध उस युवक से कहते हैं, यदि तुम सच में थक चुके हो अपनी बुरी आदतों से, तो तुम इन्हें छोड़ सकते हो, पर इसके लिए कल का इंतजार मत करो, अभी से इन्हें छोड़ो।